ऑपरेशन कर दो। मैंने अभी बोला कि टीम नहीं तैयार करनी है, हम दो हमारे दो, ये सबसे अच्छा है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो समस्याएं कम होगी, चिकित्सा से, एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से सारी समस्या का निजात है। इसीलिए हमें ये समझना है कि हमें कितनी संतानें रखनी है जितने को हम खिला पिला पढ़ा लिखा सके, समृद्ध कर सके, है ना। तो इस पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, तमाम सारी बर्थ कंट्रोल है, कटा सेफ्टी फील्स है, केमिकल मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का मतलब जैसे हमने बताया कि फ्यूजन ही ना होने दिया जाए। फिजिकल बैरियर में तमाम सारे ऐसे डिवाइस लगा दिए जाए कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज ही ना हो। इसके बाद केमिकल में तमाम माला जी सही है, क्या है, ये प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड कंफ्यूज हो जाता है, वो एफएसएच नहीं रिलीज करेगा तो अर्लाउबम नहीं बनेगा। तो इस तरह से और LNG20 हार्मोन रिलीजिंग पिल है, ये क्या करते हैं, ये भी जो है पॉपुलेशन को रोकते हैं। इसके बाद कुछ बैरियर है, कापर्टी है, ये स्पर्म को किल कर देता है ताकि फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच सके। अब इसके अलावा सर्जिकल है, सर्जिकल में वाई डिफरेंस को कट कर दिया। वाई डिफरेंस किस में, मेल में कट करेंगे कि फीमेल में, मेल में, तो उसको कहते हैं वेसोक्टोमी, कट कर दिया, दोनों को काट के बांध दिया, स्पर्म जाएगा ही नहीं आगे। और ट्यूबिक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया, बांध दिया, तो ओवम स्पर्म नहीं मिलेंगे, तो वहां पे परमानेंट स्टेरिलिटी हो जाएगी। इससे हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ।